1823 में आज ही के दिन साइमन बोलीवर पेरू के राष्ट्रपति बने थे। 1846 में आज ही के दिन एलियस होवे ने सिलाई मशीन का पेटेंट कराया। 1847 में आज ही के दिन हवाई द्वीप में पहला थिएटर खुला था। आज के दिन 1872 में प्रसिद्ध क्रिकेटर प्रिंस रणजीत सिंह का जन्म हुआ। रणजीत सिंह एक बेहतरीन क्रिकेटर खिलाड़ी और बल्लेबाज थे, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका अदा की थी। 1887 में आज के दिन उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत का मुख्यमंत्री कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1954 तक रहा। 1955 से 1961 के दौरान इन्होंने भारत के गृह मंत्री का पद संभाला। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने और जमींदारी प्रथा को खत्म कराने में इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। 1915 में आज के दिन मशहूर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतिन का निधन हुआ था। बाघा जतिन के बचपन का नाम जतेंद्रनाथ मुखर्जी था। वे युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे। युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन थी। 1926 में आज के दिन जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता ली थी। 1939 में आज के दिन कनाडा ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1966 में आज के दिन संसद ने पंजाब एवं हरियाणा के गठन को मंजूरी दी थी। आज के दिन 1974 में अफ्रीकी देश गिनी ने पुर्तगाल से स्वतंत्रता हासिल की थी। आज के दिन 1976 में इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का लाहौर से अपहरण हुआ था। साल 2002 में आज के दिन यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। आज के दिन साल 2007 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 7 साल के निर्वासन के बाद स्वदेश लौटे थे।